सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Redmi Note 9 डिवाइस के बारे में। फाइनली एक बहुत ही बड़ा मैसिव अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि है MIUI 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11 अपडेट। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पर प्रोवाइड करा दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। सो इसको अगर आप लोगों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है सो ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों सभी अपडेट की जो न्यूज है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट फीचर ऑफ MIUI 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11 अपडेट। और जिन लोगों को ये जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है अपने डिवाइस के अंदर, वो कैसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, और जो पब्लिक यूजर है जो कि पायलट यूजर नहीं है उनके लिए अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसी अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा इसकी रिगार्डिंग जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग यहाँ पर रखते हैं 100 लाइक का, देखते हैं आप लोग कंप्लीट कर पाते हो या फिर नहीं। यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों से बात करूं फर्स्ट फीचर के बारे में, सो फर्स्ट फीचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। जी हाँ गाइज, कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको 2 नए फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिले। इस तरीके से स्वाइप करने के बाद में ब्राइटनेस लेवल वाला जो कंट्रोलर है वो यहीं पे पिन हो जाता है, और इस तरीके से स्वाइप करने के बाद में भी ये यहीं पे पिन रहता है। सो ये एक आपको चेंज देखने को मिलता है अगर आप लोगों का डिवाइस MIUI 12 पे यहाँ पर रन कर रहे हैं। सो आप लोग इसको यहाँ पर जरूर से चेकआउट कर लेना, इस तरीके से स्वाइप करने के बाद में ये यहाँ पे पिन नहीं रहता है। सो ये एक आपको फर्स्ट चेंज देखने को मिल जाता है जो कि MIUI 12.5 का फीचर है। सेकंड फीचर आपको देखने को मिलता है इस तरीके से स्वाइप करने के बाद में आप लोग वहां पर स्विच कर सकते हो कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन पैनल के अंदर और नोटिफिकेशन पैनल से कंट्रोल सेंटर के अंदर। सो ये एक आपको बहुत ही यूजफुल फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि आपको कुछ इस तरीके से स्वाइप करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक और चेंज है वो देखने को मिल जाता है, अगर आप लोग नोटिफिकेशन पे टैप करके रखते हो आप लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पर अलो स्नूज और मोर का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहां पर मोर की जो सेटिंग है वो आपको पुरानी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इस पे प्रेस करके रखोगे आपके सामने कमाल का ब्लर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ब्लर इफेक्ट है वो इस वॉलपेपर की वजह से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो अगर आप लोगों को ये वॉलपेपर पसंद है सो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको यहाँ पर अपलोड करके रखा है, आप लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। वही गाइज मैं आप लोगों से बात करूं इस कमाल की थीम के बारे में, इस तरीके का नोटिफिकेशन सेंटर है, इस तरीके का आपको विजेट देखने को मिलता है। सो इस थीम के बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, सो उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो। यहाँ पर गाइज आपको एक और कमाल का फीचर देखने को मिलता है नोटिफिकेशन सेट के अंदर स्मार्ट डिवाइस, मतलब कि इस फीचर को आप लोग यहाँ पर कह सकते हो ये आपको बहुत ही कमाल का फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि है ईस्टर एग। सो ये डायरेक्टली यहाँ पर इनेबल नहीं होके रखेगा, आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर आना है और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है और स्मार्ट होम को यहाँ पर ओपन करना है, स्मार्ट होम को यहाँ पर आपको नॉन और ईस्टर एग वाला जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नॉन के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और ईस्टर एग वाला जो फीचर है इसके अंदर ये जो फीचर है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। और आपको इसके अंदर भी एक कमाल का चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आप लोग लॉक स्क्रीन है उसको यहाँ पर ओपन कर दो। सो फाइनली एक नया फीचर है वो यहाँ पर ऐड किया गया है, डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस इज अनलॉक। सो आपको एक फीचर देखने को मिलता है, इसको आप लोगों को इनेबल करके रखना है। इससे क्या होगा, जब भी आप लोग अपने फोन को यहाँ पर चार्ज लगाओगे, पिन है उसको यहाँ पर इनेबल करोगे, आप लोगों का जो फोन यहाँ पर लॉक स्क्रीन है वहां पर आपको चार्जिंग एनिमेशन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और भी आपको एक कमाल का फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। सो यहाँ पर फाइनली आपको इसके लिए आपको पहले नेट यहाँ पर ऑफ करना होगा, इससे आपको इस फीचर के बारे में यहाँ पर पता लगेगा। सो आपको सेटिंग को ओपन करना है और
साउंड एंड वाइब्रेशन। सो यहाँ पर आपको फाइनली नोटिफिकेशन का जो लेआउट है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही कमाल का लग रहा है। और जो रिंग ट्यून है इसका भी आपको कुछ इस तरीके का ही लेआउट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, और अलार्म का आपको सेम फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। साउंड असिस्टेंट है इसका भी एक फीचर है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया, आप लोग देख सकते हो कितना कमाल का फीचर है। मतलब कि मैं यहाँ पर नेट ओपन करता हूँ और कोई भी यहाँ पर वीडियो है वो यहाँ पर प्ले करता हूँ यूट्यूब पे। सो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी यूजर को पता नहीं होगा साउंड असिस्टेंट का कौन सा यहाँ पर फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है और कोई भी वीडियो है उसको यहाँ पर प्ले करना है। सो यहाँ पर मैं इसकी वॉल्यूम बहुत ही कम रखता हूँ। इसको इनेबल करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो इसके तरह आप लोग यहाँ पर साउंड है उसको एडजस्ट कर सकते हो यूट्यूब की। सो मान लो मैंने आपको इसको यहाँ पर इतना ही सेट करके रखा है, सो मैं जब भी यहाँ पर यूट्यूब है उसको यहाँ पर ओपन करूंगा मुझे इतनी वॉल्यूम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे मैं इस वाले वॉल्यूम के साथ में कितनी भी यहाँ पर छेड़खानी है वो यहाँ पर करूँ। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा साउंड असिस्टेंट फीचर क्या है। इस बात पे यार वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, आप लोगों को एक नया फीचर है वो यहाँ पर जानने को मिला है। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, यहाँ पर आपको शेड्यूल 10 ऑन टाइम का ऑप्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पहले आपको डू नॉट डिस्टर्ब को मोड को ओपन करना पड़ता था और उसके बाद में आप लोगों को यह वाला जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर आप लोगों को 3 कैटेगरी देखने को मिल जाती है, बेजेज, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन। और नोटिफिकेशन शेड है आप लोग MIUI की तरह भी कर सकते हो और एंड्रॉइड की तरह भी यहाँ पर कर सकते हो। सो ये भी आपको इस चेंज देखने को मिल जाता है। और बाकी कंट्रोल सेंटर है पुराना वाला तो सेम ही है और नया वाला भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और नया फीचर ये है कि इसके अंदर आपको एक कमाल की एनिमेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। सो ये एक चेंज है वो यहाँ पर किया गया है। और दोस्तों मैं आपको कंप्लीट चेंज लॉक के बारे में बता ही रहा हूँ। सो एक और नया फीचर है, बल्कि एक नहीं 3 नए फीचर ऐड किए गए हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 नए फीचर है वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं, क्रोमबुक, नियर बी शेयर, एंड्रॉइड ऑटो। सो क्रोमबुक तो मतलब कि गूगल की जो बुक है उसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप के साथ में। और बाद में नियर बी शेयर है, इसको मैं इतना यूज नहीं करता हूँ और आप लोगों के लिए भी इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। और एंड्रॉइड ऑटो है, इसके जरिए आप लोग अपनी कार है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों की कार है वो भी यहाँ पर कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बहुत ही कमाल के MIUI 12.5 के फीचर के बारे में। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको फाइनली वॉल्यूम जो डिजाइन है वो MIUI 12.5 की Redmi Note 9 जो डिवाइस है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल चुका है। सो उसकी आपको स्टाइल कुछ इस तरीके की यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि यार दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। सो इसको यहाँ पर एक बार जरूर से ट्राई करना अगर आप लोगों के डिवाइस में MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर रन कर रहा है। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस अपडेट के बारे में। सो अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ था इसके बारे में मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया था, और इसका वर्जन नंबर आपको ये देखने को मिलता है, और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया, आप लोग देख सकते हो। रिकवरी रोम है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, डायरेक्टली OTA अप्लाई है, उसकी यहाँ पर लिंक नहीं आई है, लेकिन जैसे यहाँ पर रिलीज होगी सबसे पहले आप लोगों को यहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ पायलट यूजर क्या है और नॉर्मल यूजर क्या है। दोस्तों पायलट यूजर है वो उनको कहते हैं जिन लोगों को अपडेट आपको पहले देखने को मिलता है, और जो नॉर्मल यूजर है वो हम जैसे यूजर है सारे बग यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं उसके बाद में अपडेट यहाँ पर रिलीज होता है। सो आपको अपडेट है वो यहाँ पर 1 से 2 वीक के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पायलट यूजर के लिए। नॉर्मल यूजर के लिए आपको अपडेट है उसके लिए यहाँ पर वेट करना होगा, जो कि आप लोग मान के चल सकते हो 2 से 3 वीक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा मैं आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो उसको यहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना। बहुत ही जल्दी अपडेट आने वाला है, मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको बताया था कि इस थीम के बारे में बताऊंगा, सो इसका नेम है सुपर iOS, तो इसको आप लोग सर्च कर लेना और अप्लाई कर लेना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।